अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द आई एम बलोच व्लॉग्स। मैं हूं मेहराज बलोच। मैं था शाल में और शाल में मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया उड़क जाने का, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश मनाजर वहां पे हमको देखने को मिले। वहां पे तेज़ बारिश और इसके साथ गरज चमक और उसके बाद एक ठंडी हवा जिसने हमारे एक छोटी सी गैदरिंग को बहुत 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 मज़ेदार बना दिया। तो बहुत खूबसूरत सीनरी आए हैं जिसको हमने भी इंजॉय किया। तो मैंने सोचा एक मैंने वहाँ पे एक व्लॉग भी बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि वो व्लॉग आप लोग भी देखें। लेकिन व्लॉग देखने से पहले गाइस, आप लोगों ने अभी तक जो तकरीबन 78% जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ क्या करो यार, जल्दी करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे नाम आ रहा है, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द वीडियो। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे हन्ना उड़क, और ये आप लोग देख सकते हैं अभी बारिश भी बहुत तेज़ जारी है। मैं कोशिश करूँ कि मेरा वॉइस आप लोगों को आए। तो अभी इससे आप वालीतंगी जा रहे हैं, थोड़ा आगे है। बारिश ने अभी सारा सेटअप अभी ख़राब किया है। अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि बारिश अभी बहुत तेज़ चल रहा है इस टाइम। तो वेट करते हैं कि बारिश कब तक चलेगा, तो फिर उसके बाद हम अपने आगे जाने का प्रोग्राम करेंगे। We'll be right back.
गाइस अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे चाय पी रहे हैं और मौसम बहुत ही खुशगवार मौसम बना हुआ है तो हन्ना उड़क में हूँ इस टाइम तो गाइस इस टाइम यहाँ पे अभी हम लोग लड्डो खेला जा रहा है ये आफिस आ रहे हैं कभी रेगी है और बाकी दोस्त हैं ये जगह है गाइस उड़क तो अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी क्यों ना लगे क्योंकि बहुत मेहनत करके ये मैंने व्लॉग बनाया है तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों को जल्दी से कर दें क्योंकि ऑप्शन आपके सामने हैं बिल्कुल वहाँ से जाके आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।